बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की मेरी रेसिपी है बघारा खाना, एकदम झटपट कुकर में बनाने का, सिर्फ 10 मिनट में बन जाता, एकदम खिले खिले चावल। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी बघारा खाना। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुकर में बना रही हूँ बघारा खाना। कुकर रख ली चूल्हे पे, थोड़ा तेल, तेल को हल्का गरम होने दें। चलिए तेल गरम हो गया, अब इसमें प्याज डालेंगे। एक मीडियम साइज की प्याज है, बारीक स्लाइस कर लीजिए। प्याज डाल ली इसमें, ये खड़े मसाले है, शकला, जीरा, साजीरा, लौंग, इलायची। हल्की प्याज ब्राउन होने के बाद इसमें अदरक लहसुन डालना, एक चम्मच अदरक लहसुन। चलिए इसको अच्छा एक मिनट अच्छा भून लिया अदरक लहसुन की बोतल है। ये 10 से 12 काजू है, इसके बीच में से स्लाइस कर लिया। थोड़ा कोथमीर, पुदीना, 3 से 4 हरी मिर्चों को बीच में से चीर ली इसमें, ये डाल देना। मैं 1 किलो चावल ली, वो हिसाब से पानी डाल लिया। थोड़ा इसे डेढ़ डाली, मैं कप से माप के डाले तो 4 कप पानी डाली। बिस्मिल्लाह, 2 चम्मच नमक, ये चावल नॉर्मल चावल है जो अपन रेगुलर खाते ना, इसको आधा घंटा पहले भिगा के रखी थी, अब ये डाल लेना इसमें। बस बिस्मिल्लाह, अच्छा एक बार मिक्स कर लेना इसको। बिस्मिल्लाह, सीटी लगा देते, हाई फ्लेम पे 1 सीटी आने देना, उसके बाद चूल्हा ऑफ कर देना। वो इसी तरह के खुद ही दम हो जाता है। ये देखिए एकदम मज़ेदार कुकर में रेडी है बघारा खाना। 1 सीटी मिर्च, एकदम खुले खुले चावल। चलिए इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए एकदम खुले खुले चावल, पानी डालते हो देख के डाल लेना हिसाब से, बहुत डाले तो कुकर में नरम हो जाता चावल। ये देखिए एकदम तैयार है बघारा खाना, सिंपल तरीके से एकदम कुकर में जल्दी, सिर्फ 10 मिनट में बन जाता। चलिए चलती हूँ, फिर एक अच्छी सी रेसिपी के साथ मिलूँगी इंशाल्लाह।